बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न किए थे, और आज हम लघुत्तरी प्रश्न उत्तर पार्ट 1 समझने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों, ये कुछ एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग भी दी रहती है। क्वेश्चन 1, यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि जिन बच्चों को उनके बचपन में छोटी माता का संक्रमण हो जाता है, हो सकता है कि उनकी वयस्क अवस्था में यह रोग ना हो। किसी व्यक्ति में ऐसी प्रतिरक्षा के आधार का कारण बताते हुए व्याख्या कीजिए, इस प्रकार की प्रतिरक्षा का नाम लिखिए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि किसी बच्चे को जब वो बचपन अवस्था रहती है, छोटी अवस्था में उसको क्या हो जाता है, छोटी माता स्मॉल पॉक्स का संक्रमण हो जाता है, लेकिन बड़े होने पर उसको हो सकता है ये रोग ना हो, तो ऐसी प्रतिरक्षा का कारण बताइए, व्याख्या कीजिए और प्रतिरक्षा का नाम लिखिए। आंसर पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जब पहली बार बच्चों में छोटी माता का संक्रमण होता है तो उनमें प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के तहत प्रभावी बी तथा टी सेल्स बनती हैं, जिससे प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के द्वारा संक्रमण पर काबू पाया जाता है। इस दौरान एक खास प्रकार की स्मृति कोशिकाएं बनती हैं, जो इस प्रतिजन विशेष के लिए अर्ध विभेदीकृत होती हैं तथा प्रथम संक्रमण की स्मृति उनमें होती है। जब वयस्क अवस्था में या कभी भी दूसरी बार छोटी माता का संक्रमण होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित स्मृति कोशिकाएं तीव्र गति से विभेदीकृत होकर बड़ी संख्या में प्रभावी बी तथा टी सेल्स बनाती हैं, जिससे दूसरी बार या द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृहद स्तर पर तीव्र तथा सटीक होती है। इससे दूसरी बार संक्रमण नहीं हो पाता है और इस प्रतिरक्षा का नाम है द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, जिसे एनामिस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। बच्चों अब इसको ऐसे समझें कि जैसे ही बच्चे को पहली बार संक्रमण होता है तो क्या होगा, प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र उसमें होगा और उससे क्या होगा, इफेक्टिव बी और टी सेल्स बनेंगी। जैसा कि हमने पहले भी समझा था, जैसे ही प्रभावी बी और टी सेल्स बनती हैं उसी समय उसकी कौन सी मेमोरी सेल्स है ना, कैसे स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं, जो उसके लिए कैसी होती हैं, हाफ डिफरेंशिएटेड होती हैं और उनमें क्या होती है, मेमोरी रहती है उस प्रतिजन विशेष के लिए। जब बच्चा बड़ा होता है, उसको दोबारा फिर से इसका अटैक होता है, छोटी माता का संक्रमण होता है, तो ये जो स्मृति कोशिका है, जो मेमोरी सेल्स हैं इसकी, वो क्या करती हैं, तुरंत फटाफट क्या करती हैं, अधिक मात्रा में प्रभावी बी और टी सेल्स बना लेती हैं। तो पहली बार संक्रमण हुआ तो प्राथमिक प्रतिरक्षा हुई, लेकिन जब दूसरी बार होता है तो द्वितीयक प्रतिरक्षा उसमें मौजूद हो जाती है, जिसके कारण संक्रमण नहीं हो पाता है और इस प्रतिरक्षा का नाम है द्वितीयक प्रतिरक्षा, जिसे एनामिस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। पहला है सहज तथा उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा, दूसरा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 1, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। सहज प्रकार की प्रतिरक्षा एक प्रकार की सामान्य रक्षा है, जन्म के समय से ये कहाँ रहती है, हमेशा शरीर में मौजूद रहती है। परंतु उपार्जित प्रतिरक्षा कैसी होती है, रोग जनक विशिष्ट होती है, ये तभी सक्रिय होती है जब शरीर रोग का सामना करता है। मतलब सहज वाली प्रतिरक्षा क्या होती है, जन्म से व्यक्ति में मौजूद हो जाती है, और जो उपार्जित, जैसा नाम है उपार्जित, जब वो कोई सी रोग से संक्रमण का सामना करता तब उसमें ये प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। दूसरा, सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश को रोध खड़ा करने पर आधारित है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोग जनित प्रेरित बी एवं टी लिम्फोसाइट के निर्माण पर आधारित है। तीसरा आंसर, सहज प्रतिरक्षा में स्मृति प्रतिरक्षा नहीं होती, क्योंकि ये एक बार रोग होने के बाद उत्पन्न होती है उपार्जित में, परंतु उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति आधारित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चौथा, सहज प्रतिरक्षा की रफ्तार कैसी होती, धीमी होती, स्लो होती है, परंतु उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा की रफ्तार कैसी होती है, तेज होती है, यहाँ आप लिख लीजिएगा बच्चों, एवं सटीक होती है, पर्टिकुलर उसी रोग के उस पर अटैक करती है।
अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिजन या एंटीजेंस का सामना करने के बाद जब शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं और प्रतिजनों का खात्मा करते हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि शरीर की रक्षा बने बनाए तथा बाहर दिए गए प्रतिरक्षी से की जाती है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। कैसे कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन अटैक होता है तो उसके समय जब शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती, प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनते हैं, तब जो होते हैं तो कैसी प्रतिरक्षा कहलाती है? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और जब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में बाहर से ही ये सारे एंटीबॉडी और ये सारी चीज डाल दी जाए तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा में टी लिम्फोसाइट आधारित कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा नहीं होती। देखते हैं नेक्स्ट। भक्षी कोशिकाओं की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फैगोसाइट्स का, हमारे रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स, प्राकृतिक घातक लिम्फोसाइट के प्रकार और बृहत भक्षकाणु जैसे मैक्रोफेजेस रोगाणुओं का भक्षण जो है प्रतिरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, जो संक्रमण या विनिष्ट एवं मृत कोशिकाओं की अनुक्रिया में बनते हैं। ये भक्षकाणु दो प्रकार से रोगाणुओं का नाश करते हैं। कौन कौन से हो गए? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु जो न्यूट्रोफिल्स, कुछ केंद्रकाणु मोनोसाइट्स, कुछ लिम्फोसाइट्स के प्रकार और कुछ मैक्रोफेजेस जो हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण सेल्स होती हैं जो हमको रोगों से बचाती हैं। अब ये दो प्रकार से करते हैं। पहला क्या करते हैं, भक्षकाणुओं पर स्थित ग्राही रोगाणुओं तथा प्रतिजनों से बंधने के बाद उन्हें अपनी कोशिका के अंदर निगल जाते हैं तथा उनके अंदर एक फैगोसोम, एक प्रकार का लाइसोजाम, उन्हें खंडित करके पचा लेते हैं। इसे एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ देखो कैसे कि मान लीजिए ये एक भक्षकाणु कोशिका है जो हमारे सेल्स की, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आकर के जो पैथोजन से वो क्या कर लेते हैं, इनको ये अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद में इनको क्या करते हैं, निगल जाते हैं तो अपने अंदर आ जाते हैं और ये बॉडी के अंदर ले आते हैं, जैसे अपनी सेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर एक लाइसोजोम, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो इनको क्या कर देता है, खंडित करके पचा जाता है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। दूसरा कैसा है, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली में संक्रमण के पश्चात सहायक कोशिकाएं स्वयं सक्रिय होकर अपने स्त्रावण इंटरल्यूकिन तथा इंटरफेरॉन द्वारा बृहद भक्षाणुओं को सक्रिय करते हैं। ये भक्षकाणु अपने द्वारा स्रावित रसायनों अथवा कोशिकीय संकेतन प्रणाली द्वारा संक्रमित कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। इस प्रकार रोगाणु, अब इसमें क्या होता है कि ये कोशिका स्वयं ऐसे पदार्थ स्रावित करेगी, सिक्रेट करेगी कि ये बाहरी जो पैथोजेंस हैं ये मर जाएं बाहर के बाहर। इस प्रकार रोगाणु नष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, शरीर की सुरक्षा में त्वचा का महत्व बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्वचा हमारे शरीर का क्या बनाती है? आवरण बनाती है। यह हमारे शरीर की प्रथम पंक्ति की प्रतिरक्षा है। सबसे पहली रक्षा कौन प्रदान करती है? त्वचा। यह अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो रोगाणुओं के लिए मुख्य रोध का कार्य करती है। त्वचा कहीं भी कटी फटी रही है तो यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी है वो एकदम बॉडी के अंदर नहीं आ सकता। तो यह जीवाणु, कवक, अवेश, विषाणु, प्रदूषण आदि को शरीर में आने से रोकता है। यह हमारे शरीर का जल रोधी भौतिक रोध है। क्या है, वाटर भी इसके अंदर से नहीं जा सकता। इस प्रकार त्वचा जो है सामान्य संक्रमण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बृहद भक्षकाणु, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के प्रकार, हेप्टेन, इंटरफेरॉन और टीका। ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। पहला है बृहद भक्षकाणु। इसको बृहद यानी माइक्रो
माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस होगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे माइक्रो नहीं, यहाँ मैक्रोफेजेस होगा। मैक्रोफेजेस या बृहद भक्षकाणु एक बृहद एवं विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो रोगाणुओं एवं संक्रमित कोशिकाओं को चिन्हित निगलने एवं नष्ट करने का काम करती हैं। बृहद भक्षकाणु क्या करते हैं? सबसे पहले रोगाणु एवं कोशिकाओं को चिन्हित करते हैं, मार्क करते हैं, उनको स्वेलो करते, निगलते हैं और नष्ट करने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो संक्रमण या विनिष्ट एवं मृत कोशिकाओं की अनुक्रिया में बनते हैं। ये मुख्यतः मोनोसाइट्स के विभेदन के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बी लिम्फोसाइट। बृहत भक्षकाणु बाहर से आए रोगाणुओं का भक्षण कर अपने सतह पर लेकर लसिकांगों में जाकर अन्य लिम्फोसाइट को सचेत एवं सक्रिय करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट देखो बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट या बी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो उपार्जित प्रतिरक्षा के ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अवयव। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको टर्मिनल याद करना पड़ेगा। ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का स्त्रवण करते हैं। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट देखो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा अवयव की मुख्य कोशिका है। ये प्रतिरक्षी का स्त्रवण नहीं करते बल्कि बी लिम्फोसाइट को सक्रिय कर प्रतिरक्षी का स्त्रवण करने का कार्य करते हैं। टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट प्रतिरक्षा स्त्रवण नहीं करता बल्कि क्या करता है? बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है और फिर प्रतिरक्षी का स्त्रवण करने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट प्रत्यक्ष रूप से अपने सतह पर उपस्थित ग्राही की सहायता से प्रतिजन की पहचान करते हैं, वायरस संक्रमित कोशिकाओं को पहचान कर उनको नष्ट करते हैं। फिर आता है टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। टी लिम्फोसाइट्स के निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रभावी टी लिम्फोसाइट, ये पूर्णतः विभेदित टी लिम्फोसाइट है जो क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षण के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है सहायक टी लिम्फोसाइट। ये अन्य कोशिकाओं के परिपक्वन जैसे बी कोशिकाओं का प्लाज्मा कोशिका में परिपक्वन तथा कोशिका विष टी कोशिकाएं एवं बृहद भक्षकाणु के सक्रियण का कार्य करते हैं। तीसरा कोशिका विष टी सेल्स, ये विषाणु संक्रमित एवं कैंसर पीड़ित कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। चौथा स्मृति टी कोशिकाएं, ये अर्ध विभेदित टी सेल्स होती हैं जो पूर्ण संक्रमण की स्मृति रखती हैं। दोबारा संक्रमण को दोहराए जाने पर ये तुरंत प्रभावी कोशिकाओं में विभेदित होकर संक्रमण को खत्म करने का काम करती। ये अभी हमने सहज प्रतिक्रिया के अंतर्गत अपन ने समझा था। पांचवा दमनकारी टी सेल्स, इन्हें सप्रेसर टी सेल्स भी कहते हैं। ये संक्रमण समाप्ति के पश्चात बचे हुए टी सेल्स की गतिविधि को रोकने तथा स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिया को रोकने में मदद करती है। दमनकारी टी सेल्स ये स्वयं सप्रेस करती हैं अपने आप को। फिर है हेप्टेन। हेप्टेन क्या है? हेप्टेन वे छोटे अणु हैं जो किसी अन्य बड़े अणु जैसे प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं और प्रतिरक्षण अनुक्रिया को दर्शाते हैं। वैसे प्रोटीन का वाहक या एडक्ट भी इनको कहते हैं। हेप्टेन तथा एडक्ट अकेले प्रतिरक्षण अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखो इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वे प्रोटीन हैं जो विषाणु संक्रमण के पश्चात परपोषी कोशिका द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन हैं जो वायरस संक्रमण के पश्चात परपोषी कोशिका द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। ये अन्य असंक्रमित कोशिकाओं को आगे विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। ये एक प्रकार के साइटोकाइन है। फिर है सेवन टीका। टीका सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के उद्देश्य से शरीर में प्रवेश कराए जाने वाले किसी जैविक पदार्थ को टीका कहते हैं। आप सब बहुत वेल नोन है इससे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल या ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बताइए। ये आप सब बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पहला है तात्कालिक कुप्रभाव, अधाधुंद व्यवहार होता है, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होना। ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात अथवा प्रमस्तिष्कपात के कारण सम्मूर्छा और भी संभावित होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल का साथ साथ सेवन करने से हानिकारक प्रभाव अति मात्रा में होना। युवाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, आक्रमणशील, विद्रोही व्यवहार,
सोने एवं खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख एवं वजन में घटबढ़ आदि चीजों का सामना करना पड़ता है, और दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव में क्या होता है, ड्रग और अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे की कमी होने पर लोग चोरी आदि बुराइयों को व्यवहार में लाते हैं, परिवार एवं संबंधियों के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बनते हैं। अब दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव में क्या आएगा, ड्रग एवं अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत क्या होते हैं, खराब होते हैं, नष्ट होते हैं। फिर इसके बाद स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल, अंतःशिरा सुई द्वारा ड्रग लेने से एड्स और यकृत शोथ बीज जैसे गंभीर रोगों का संक्रमण होने की संभावना होती है, जो उनकी दोनों घातक बीमारियां हैं। गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल असर डालता है। महिलाओं के खेल में बेहतर करने के उद्देश्य से उपापचयी स्टेराइडों के सेवन से अनुषंगी प्रभाव में पुंसत्व जैसे पुरुष जैसे लक्षण, बढ़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, असामान्य आर्तव चक्र आदि का होना पाया जाता है। जो तो ये थे कुछ लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके